नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी जट में। दोस्तों यहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, ठीक है। डीएससी यानी कि डिसिप्लिन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन कोड है इसका 6232-4407। तो हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको कोई दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्सेस, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहला क्या है कि क्रिटिकली एनालाइज द नियो लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पहला ये करेंगे। दूसरा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, कोल्ड वार के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। तो सबसे पहला हम आंसर देखते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से और यहाँ तक आप लिखोगे। और दोस्तों प्लीज अपने जो दोस्तों हैं, दोस्त है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, हर जगह अपने आंसर्स को शेयर करना, ठीक है, इस वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों की हेल्प करना आप लोग। इस पॉइंट में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स कट करने हैं, यहाँ से स्टार्ट करना, ETC तक लिखना। फिर आपको नीचे आना है, नीचे में आपको वी आर नाउ से लेकर बेस्ट ओल्डर तक लिखना है। उसके बाद चलेंगे मेन अजप्शन इन लिबरलिज्म। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली सभी चीज लिखनी है, जहाँ पे आपको दिख रही है ह्यूमन नेचर, लिबरलिज्म, तो ये सब कुछ आपको लिखना है पूरा पूरा। और भी आंसर्स मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना SOL के अपडेट नोट्स और जो क्लासेस हैं उनके लिए। यहाँ पे लिबर्टी है, प्रॉपर्टी राइट है, रूल्स ऑफ लॉज है, आप लोग ये अभी से ही लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिस दिन डेट होगा अपलोड करने का, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पे, उसी दिन आपको अपने आंसर्स को अपलोड करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप लोग फटाफट असाइनमेंट बना लो। 5 दिन की टाइमिंग है, 10 से 15 के बीच में, 15 के बाद आपको 15, 16, 17, 18 ऐसे डेट होंगे, उसमें आपको अपने असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं। फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड, नेशनलिज्म, ये सब कुछ आपको लिखना है। कोशिश करना कि अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो पढ़ के इसे, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज ये तो बुक से है, तो बुक से कंटेंट बहुत अच्छा है आपके लिए। गूगल से तो बेटर है कि आप बुक से लिख लो, बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे गूगल से लिखते हैं, उससे बेटर है कि आप बुक से लिख लो। जो हिंदी के बच्चे हैं वो थोड़े से वेट करना, हिंदी का भी जल्दी ही ले आऊँगा, ठीक है। और भी जो कोर्सेस हैं, जैसे BCOM ऑनर्स, BA ऑनर्स, इन सभी बच्चों के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़े से वेट कीजिएगा, मैं आज और कल में आपके असाइनमेंट्स के जो आंसर्स है उसमें हेल्प कर दूँगा। असाइनमेंट के लिए आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना सिर्फ, और कोई पेन यूज मत करना। राइटिंग अच्छी रखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इसको, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपके जिस ग्रुप में आप ऐड हो। अब यहीं तक इसको रहने देते हैं, ये लास्ट है नेशनल बॉर्डर तक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड आंसर की तरफ, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जिसको कि आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर्स।
क्योंकि आपको कोई दो ही आंसर करना है। कॉजेस ऑफ कोल्ड कोल्ड वार टू लिख लो फटाफट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब करने से ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको यहाँ पे जो SOL के रिगार्डिंग जितने कंटेंट होते हैं, नोट्स हो गया, क्लासेस हो गई, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, उन सभी चीज़ों पर हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उस पर वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन ना जाए, लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको इस वीडियो को जरूर डालूंगा। तो जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि असाइनमेंट के बाद आप लोग उस टेलीग्राम को छोड़ दो, उस पर बने रहना, उस पर और भी चीज़ें आपको आएंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड SOL की अपडेट्स। आप लोगों के मन में अभी भी एक डाउट होगा कि कितने पेजेस लिखने हैं, कितने पेजेस नहीं लिखने हैं, तो 6 से 8 पेज लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर और भी एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो और अच्छी बात है, 10-12 पेज भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मिनिमम जो चीज़ें होती हैं, कंटेंट होते हैं, वो 6 से 8 के बीच में आप लिख सकते हैं। 8 तक तो एटलीस्ट लिखिएगा ही। जिस दिन अपलोड करने का टाइम होगा, डेट होगा आपके एडमिट कार्ड पर, उस दिन आप अपलोड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों जो 4th है उसको आप स्किप कर देना, ठीक है। ये 5वें से लिखना अदर रीजन। डी तक लिखना इमीडिएट कॉज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, यानी कि किस असाइनमेंट पे आप चाहते हो कि उसके आंसर्स में आपको हेल्प करूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब, हर जगह फैला दो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।